Yes, come in, please. Good afternoon, sir. Very good afternoon. वो कोड दे दीजिए मुझे. बैठ जाइए. थैंक यू सर. आपने कोड देख लिया? इस कोड को देखा आपने? कितना है कोड आपका? सर 1925 सर. 1925 है. 1925 साल का क्या महत्व है भारत के इतिहास में? अच्छा, ये 1925 के सहायता से, इसी की सहायता से, जैसे आपका जो भी नाम है XYZ की जगह आपका नाम 1925 है, इसकी सहायता से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि जैसे सर मेरा कोड नंबर 1925, मैंने अपना यहाँ ये चीजें अचीव की. सर मेरा कोड नंबर 1925 है. सर मैंने अपना स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्ष 2017 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का उत्तीर्ण किया हुआ है. सर मेरी हॉबी शतरंज खेलना है और सर वर्तमान ये सर मेरा पहला साक्षात्कार. तो मतलब 17 के बाद 6 साल आपने क्या किया? सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था सर इसी बीच में, और साथ ही सर मैं 2020 के बाद कोविड के बाद सर एज ए कंटेंट राइटर के रूप में सर काम भी कर रहा हूँ, साथ साथ तैयारी भी कर रहा हूँ. तो कंटेंट राइटर के रूप में क्या किसी मैगजीन के मतलब मैगजीन में काम कर रहे हैं या किसी निजी? सर एक निजी संस्थान में सर मैं काम कर रहा हूँ. क्या कंटेंट डेवलप करते हैं आप? सर जो भी सर जो सब्जेक्ट का सर जो भी कंटेंट होता है, जैसे हिस्ट्री का सर कंटेंट हो गया, ज्योग्राफी का कंटेंट हो गया, या अदर सब्जेक्ट पे जो मुझे रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है सर, उसका मैं सर कंटेंट डेवलप करता हूं. वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के है, सिविल सर्विसेज के लिए या दूसरे एग्जाम? सर सिविल सर्विस के लिए ही सर. तो इससे सर मेरी प्रिपरेशन भी हो जाती है साथ साथ. सर जी पीयूष सर, आपने जैसे कि कहा कि आप कंटेंट राइटर हैं, तो जाहिर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते होंगे. सर इंटरनेट का नहीं सर, अभी तो मैं सर वही जो पेन कॉपी पे या जो उसमें जो होता है सर उसी पे सर करता हूँ. सर जरूरत पड़ती है अगर कुछ सर्च करना रहता तो जरूर सर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. अगर सर्च की बात आपने कही है तो गूगल जो है प्लेटफॉर्म सर, क्या वह सर्च इंजन कहलाता है? गूगल सर एज ए सर्च इंजन के रूप में सर यूज करता हूँ. सिंपल सवाल है. अच्छा भैया बताइएगा कि गंगा का क्या महत्व है उत्तर प्रदेश के लिए? वहाँ के कल्चरल सांस्कृतिक छवि के रूप में गंगा का क्या महत्व है सर प्रदेश के लिए? सर गंगा को सर एक हमारे सर धार्मिक रूप से इसको एक पवित्र नदी के रूप में सर माना जाता है, और इसको सर भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय नदी के रूप में सर इसको मान्यता दी है. और इसमें सर जैसे गंगा को सर संगम में जो प्रयागराज में सर संगम में सर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो सर इसको सर वही सांस्कृतिक रूप से सर ही देखते हैं सर. मैं आपको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाता हूँ. पिछले दिनों दुबई के अंदर COP COP28 आयोजित हुआ. यस सर. किसी भी समिट का, किसी भी मीटिंग का कोई एक एजेंडा होता है, किसी के कोई ड्राफ्ट होता है. यस सर. COP28 का जो भी ड्राफ्ट है उसको किस नाम से पुकारते हैं, नंबर वन, और उस ड्राफ्ट का क्या फाइंडिंग्स आई है अभी तक? सर जो COP28 सर दुबई में सर आयोजित की गई, इसमें सर जीवाश्म ईंधन को समाप्ति को लेकर के सर इसमें एजेंडा तय किया गया था. फॉसिल सर जो हाँ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको क्रमिक रूप से सर इसमें मतलब सहमति मतलब बात हो रही थी कि इसमें सहमति जताई जाए, उसको क्रमिक रूप से सर समाप्त करने के लिए मतलब सहमति जताई जाए सर. इसमें हमारा पहला सवाल है कि इसके ड्राफ्ट का नाम क्या है? कोई नाम दिया गया है? GST है, उसको हम बता देते हैं आपको अब्रिविएशन, इसका पूरा बताएंगे GST से क्या बनता है. माफी चाहूंगा सर मैं ग्लोबल स्टॉक पैक. अच्छा, इन लोगों ने नेट जीरो फ्यूल इस एजेंडा में, इस ड्राफ्ट के अंदर जो कहा गया है नेट जीरो फ्यूल, कौन से ईयर तक ये जीरो नेट फ्यूल पर ले आएंगे उत्सर्जन को? सर वर्ष 2050 तक सर बात की जा रही है. 50 तक है सर. क्या भारत को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर? सर भारत का जो टारगेट सर पंचामृत में जो भारत ने लक्ष्य रखा था वो सर 2070 तक है सर. तो भारत अपनी प्रतिबद्धता की 2070 तक अपना नेट जीरो एमिशन को पूरा लक्षित करेगा सर. कुछ एक ऐसा भी कुछ सुनने में है कि 2 डिग्री के से बिलो होना चाहिए. मैं अभी नहीं बताना उसको. 2 डिग्री से बिलो होना चाहिए और 1.6 डिग्री आइडियल होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए. ये क्या चीज़ है सर? ये जो हमारा जो मतलब आफ्टर जो सर जो औद्योगिकरण था उसके बाद का सर उसके बाद के जो टेम्परेचर है सर, तो वैश्विक तापमान की जो मतलब बात की जा रही है कि 2 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस सर
तापमान हमारा कम होना चाहिए सर। हमारे देश में G20 आयोजित हुआ पिछले दिनों। यस सर। G20 की अभी तक आप क्या कुछ एक या दो ऑब्जेक्टिव बताइए क्या है क्या थे? सर G20 का सर जो जो उद्देश्य इसका उद्देश्य जो था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारी जो चुनौतियां हैं या जो वित्तीय क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उनको सर हम संबोधित करें, और सर इसमें सब सबसे महत्वपूर्ण सर उपलब्धि रही कि दक्षिण सहयोग को सर इसमें शामिल करने की सर बात ज़्यादा की गई। अच्छा, कितने देश थे उसके अंदर? सर अब इसमें सर 19 देश और एक यूरोपीय संघ सर एक यूनियन के रूप में काम सर है। अभी हाल ही में सर दक्षिण जो अफ्रीकी संघ है सर उसको एक नए सदस्य के रूप में सर शामिल किया गया है। अफ्रीकी संघ में कितने सदस्य थे, कितने देश हैं उसमें? सर माफ कीजिएगा सर नंबर में। चलिए, शतरंज, आपने कहा कि आपका हॉबी इसमें आता है शतरंज में। यस सर। शतरंज में आप हमेशा जितना ही पसंद करते होंगे जाहिर है सर, सर कोई अगर हार जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, अब आपके इमोशंस देखना चाहते हैं? सर मैं ये क्योंकि कोई भी सर गेम वो हार जीत पे सर उसमें एक एक प्लेयर ही जीतेगा सर, जब दो प्लेयर का गेम है तो हार जीत पे सर निसंदेह उसे डिपेंड करेगा, कोई भी उसमें प्लेयर हार सकता है। लेकिन सर जब अगर मैं हारता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कमियाँ क्या रहीं, किन वजहों से मैं काम हार गया हूँ, और उनको उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में अगर कोई गेम खेलूंगा तो उन कमियों को ध्यान रखूंगा सर। पिछले दिनों डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत हमने देखा उत्तराखंड के अंदर मजदूर फंसे उस टनल के। सर अगर वहाँ आप SDM चयनित होते, वहाँ अगर सर पोस्टेड होते तो आप सबसे पहले क्या इनिशिएटिव लेते, कैसे जैसे ही आपको खबर मिलती क्या कहाँ से शुरुआत करते आप उन मजदूरों को बचाने की कवायद की? बतौर SDM सर अगर हमें वहाँ तैनात होता तो जो हमारी जो वहाँ पे NDRF SDRF टीम है उनको मैं सर उनको सर सूचित करता कि ऐसी वैसी घटना हो गई है वहाँ पे, उसके लिए सर जो आवश्यक उपकरण है सर वो मैं वहाँ पे कोशिश करता, मतलब फोन करके जो अपने जो सीनियर अधिकारी हैं उनको सर सूचित करता कि आवश्यक उपकरण के लिए अब यहाँ पे सर पहुँचाया जाए, और सर NDRF की टीम के माध्यम से मैं वहाँ पे और जो संभव जो कार्रवाई होती सर मैं वो करता। भारत में उत्तर प्रदेश यस सर मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। yes, अगर वहाँ पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं घरेलू और विदेशी तो क्यों करना चाहेंगे, क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश में, अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? सर अभी हाल के वर्षों में सर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सर काफ़ी प्रयास किए गए हैं, जैसे सर मतलब एक्सप्रेसवे सर बनाए गए हैं, अभी जो 6 हमारे संचालित एक्सप्रेसवे हैं, 7 सर निर्माणाधीन हैं, तो कनेक्टिविटी को लेकर के सर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी RRTS सर जो रीजनल रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम है सर उसको मतलब पश्चिमी UP से जोड़ा गया है सर मेरठ तक, और सर दूसरे स्तर पे हमारे पास सर जो जनसंख्या सर जो जनसंख्या की लाभांश की स्थिति में हमारे अगर उनको सर स्किल करने की जरूरत है, अगर स्किल करते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं सर उनके लिए एक सर बहुत बेहतर संभावना होगी उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। पिछले दिनों MSP पर लेकर के किसानों का बहुत बड़ा धरना हुआ, हम सभी जानते हैं सर। MSP पे ऐसी क्या चुनौती है जो अभी तक किसान बहुत संतुष्ट नहीं है, वह कौन सी चुनौती अभी बची है? सर MSP को लेकर के जो सर कृषि कानून में सर जो किसानों का सर मुद्दा था वो ये था कि किसानों को सर फ्री मार्केट उसमें प्रोवाइड करने की बात की गई थी, कोई भी किसान कहीं भी सर मतलब सेल कर सकता है। MSP पे सर जो अभी वर्ष उसके इम्प्लीमेंटेशन में सर चुनौती देखने को मिलती है सर, क्योंकि सर मतलब एक आम मतलब जो सर स्वामीनाथन आयोग का जो गठन किया गया था उसने इस बात को रिकमेंड किया कि केवल 6% किसानों को ही MSP का लाभ मिल पा रहा है। स्वामीनाथन समिति किस वर्ष में और किस नाम से पुकारी जाती है? सर राष्ट्रीय कृषक आयोग के नाम से सर, माफी चाहूंगा सर, राष्ट्रीय कृषक आयोग के नाम से ही सर पुकारी जाती है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना है को? यस सर। क्या वह आने वाले समय में चुनौती बनने वाला है ह्यूमन टैलेंट का? सर इसके कोई भी सर तकनीक होती है सर उसके मतलब लाभ और हानि दोनों पक्ष सर जुड़े होते हैं। अगर हमने कहा आपसे क्या ह्यूमन टैलेंट को चुनौती होने वाली है? सर उसमें सर मतलब सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि सर ह्यूमन टैलेंट को सर चुनौती होगी। अगर ह्यूमन टैलेंट सर उस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अगर स्किल डेवलप कर लेता है तो सर उसके लिए भी सर एक कारगर मतलब एक सब कारगर सर उपाय हो सकता है और उसके लिए लाभकारी भी हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी हमारे देश में, कोस कोस पे बदले पानी, 10 कोस पर पानी, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पे बदले पानी, 10 कोस पर बाणी। सर किस कवि ने कहा है, किस व्यक्ति ने बात कही है? माफी चाहूंगा सर मुझे। चलिए थैंक यू। पीयूष जी, आप लखीमपुर खीरी से हैं,
कुछ भौगोलिक विविधता है वहाँ की, टूरिज्म का कुछ स्कोप बहुत अच्छा है, बताएंगे क्या है खास लखीमपुर? सर लखीमपुर खीरी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का सर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, और यहाँ सर राज्य का एकमात्र सर राष्ट्रीय उद्यान भी है सर, दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, क्या खासियत है, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं वहाँ पर? सर वहाँ पे सर मतलब बारह सिंघा भी हैं, हाथी भी हैं सर, गैंडे भी पाए जाते हैं, और सर हिरन भी पाई जाती है सर। बाघ पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते सर? बाघ पाए, टाइगर पाए जाते हैं नहीं वहाँ? सर टाइगर भी सर पाए जाते हैं। और क्या खास है लखीमपुर खीरी का सर? और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सर वहाँ पे सर गोला गोकर्णनाथ सर है, जिसको छोटी काशी के रूप में सर मतलब छोटी काशी के रूप में सर उपमा दी जाती है। और सर वहाँ पे सर लखीमपुर खीरी में सर मेढक मंदिर भी है सर, जो काफी काफी सर प्रसिद्ध है। अच्छा, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है मेढक मंदिर? सर शैव संप्रदाय का सर, उसकी विशेष सर जो खासियत है वो मेढक के ऊपर सर भगवान शिव को सर विराजमान किया गया है। तो आप इलाहाबाद से पढ़े लिखे हैं, तो आपके टाइम पे जब हॉस्टल में आप रहे हैं नहीं? सर मैं हॉस्टल में नहीं रहा। तो ऐसा देखा गया या बोला गया कि जो हॉस्टल रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उसमें अपराधियों का शरणगृह बन चुके थे वो सब, और उससे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो छवि थी, पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोला जाता था, उसको धूमिल करने में और उसकी साख को बट्टा लगाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। आप इस बात से सहमत हैं? सर जहाँ तक मेरा मानना है सर, इतने बड़े विश्वविद्यालय में कुछ हॉस्टल सर ऐसे हैं सर अभी भी और उससे पहले भी, जहाँ पे जो कुछ छात्र जैसे छात्र संघ के माध्यम से वहाँ सर मतलब इस तरीके की सर घटनाएं, आपराधिक घटनाएं सर होती थी, बच्चे सर इस चीज में संलग्न होते थे। लेकिन सर इतने बड़े विश्वविद्यालय में अगर इतना हो रहा है तो चलता है सर, कुछ बच्चे ऐसे संलग्न हो रहे हैं तो उसके आधार पे सर ये बात नहीं कही जा सकती कि पूरे विश्वविद्यालय का सर जो ग्रुप है। तो अभी ये बताइए, पूर्व का ऑक्सफोर्ड जो कहा जाता था, जो वो उसकी गरिमा थी, वो अभी भी बनी हुई है क्या? अभी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में उसमें और कुछ सुधार करने की जरूरत है, लेकिन अभी भी सर प्रशासनिक क्षेत्रों में सर और अन्य क्षेत्रों में सर वहाँ से भी जो विद्यार्थी सर निकल रहे हैं और अपने मतलब बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर सर पहुँच रहे हैं, तो शिक्षा के स्तर में सर थोड़ी बहुत। अच्छा ये बताइए, जो वहाँ पे चुनाव होते हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, आपको लगता है उससे यूनिवर्सिटी प्रशासन और जो छात्रों के हित हैं वो उससे सुनिश्चित होते हैं, या वो छात्रों की जो शिक्षा है उसमें बाधा पहुँचाने का कार्य करते हैं, जरूरत से ज़्यादा राजनीतिकरण हो जाता है और दलबंदी के शिकार हो जाते हैं? सर छात्र संघ के अपने सर हित हैं, और वो अधिकारी वो छात्रों की अधिकारों के लिए सर कभी कभी सर आवाज़ उठाते भी हैं। कभी कभी सर अपने कुछ राजनीतिक कारणों के, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने इस राजनीति के आड़ में, छात्र नेता के आड़ में उगाही का धंधा शुरू कर देते हैं? ऐसी सर सूचनाएं सर काफी कम मिली हैं सर, ऐसी सूचनाएं सर सुनने में नहीं आई हैं। आमतौर पर सब छात्रों के हित में सर भी काम करते हैं, इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा मान लीजिए आपको VC बना दिया जाए, वाइस चांसलर, तो बताइए ऐसे कौन से प्रोग्रेसिव स्टेप आप लेंगे कि जो उसकी पुरानी साख है वो वापस लौट आए और जो छात्रों का हित है वो मैक्सिमम हो? सर बतौर VC में 2-3 सर का स्टेप लूंगा सर, कि सर पहले स्तर पे सर जो हमारा जो क्लासेस हैं सर वो नियमित अंतराल पे सर संचालित की जाएं, और जो अटेंडेंस की सुविधा है वो सर एक तकनीकी माध्यम से, उसके जो एप्लीकेशन बेस्ड सर माध्यम से तकनीकी मतलब उसमें अटेंडेंस ली जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो नियमित समय पे सर इस वहीं पे अपने क्लास में उपस्थित हों। और सर दूसरे स्तर पे सर जो हमारे जो चुनाव प्रणाली है सर उसको एक नियमित किया जाए, ताकि उसकी वजह से सर शिक्षा प्रणाली में सर कोई व्यवधान ना आए। अच्छा, चुनाव ना होने की वजह से शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न होती है? सर चुनाव सर आयोजित किए जाए, लेकिन चुनाव का सर एक नियमित कार्यक्रम जारी हो, उस नियमित कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष सर चुनाव सर। अच्छा चलिए बताइए कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए या पूरे देश की बात करिए, तो राजनीति का अपराधीकरण हुआ है या अपराध का राजनीतिकरण? सर दोनों स्तर पे राजनीति में भी आपराधिक तत्वों की भागीदारी बढ़ी है सर, और अपराधी भी सर राजनीतिक क्षेत्र में सर प्रवेश करके अपने जो आपराधिक जो अपनी छवि है सर उसको सर वो लगभग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बताइए, अभी जो करंट सिनेरियो है, अगर कोई पार्टी किसी भी नेता को टिकट देती है, यस, आप बता सकते हैं कि वो किन किन मानकों को ध्यान में रख के टिकट देती होगी, जबकि
किन किन आदर्श मानकों पर ध्यान रखकर टिकट देना चाहिए? सर अभी जो अगर आदर्श मानक की बात करें टिकट देने की, सर तो उसमें सर जनता से जुड़ाव सर एक कुल सर पहला मानक हो सकता है कि कोई नेता सर जनता से कितने करीब है और जनता की समस्याएं किस स्तर तक उसको सुनता है सर। दूसरे स्तर पे सर उसका सिविल एजुकेशन बैकग्राउंड सर हो सकता है कि वो उसके जो, और सर तीसरे स्तर पे उसकी सर आपराधिक सर छवि उसकी उसका बैकग्राउंड क्या है सर, ये सर तीन मानक हो सकते हैं। और अभी क्या ध्यान देकर दिया जाता है टिकट? माफी चाहूंगा सर, आपको आइडिया ही नहीं है बिल्कुल, माफी चाहूंगा सर। अच्छा अभी आप MSP की बात कर रहे थे सर से, यस सर, तो ये बताइए आप MSP को और जो तीन कानून कृषि कानून वापस हुए थे उनको कैसे जोड़ रहे थे? उसमें MSP का मुद्दा कहीं था क्या तीनों कानूनों में? सर उसमें एक कानून सर MSP को लेकर के था, उसमें कौन सा था सर? फ्री मार्केट की व्यवस्था की गई थी कि किसान स्वतंत्र है मतलब अपनी कहीं पे भी अपनी, तो वो तो वो अलग चीज है, अलग विषय ना, APMC से उनको फ्री किया गया था, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, तो उसमें MSP का इशू कहां से? माफी चाहूंगा सर अभी मैं याद नहीं कर पाऊँ। MSP में दो टर्म होते हैं, A2+FL होती है, C2 होती है। यस सर। C2 किसान आयोग की रिकमेंडेशन है। यस सर। कौन सी ज्यादा ब्रॉडर टर्म है? सर C2 सर। तो समस्या क्या है, सरकार C2 पे क्यों नहीं दे रही है MSP? सर C2 में सर उसके जो सर A2+FL में सर जो हमारे फैमिली लेबर को भी शामिल कर लिया जाता है जो उसमें कृषि लागत के साथ में, और सर C2 में सर कृषि फैमिली लेबर के साथ साथ जो हमारा खेत जो किसान के पास खेत होता है सर उसकी भी सर उसका जो रेंट का सर भी उसमें सर शामिल किया है, तो इससे सर क्यों सर इससे क्या है सर, माफी चाहूंगा सर। अच्छा तीनों कृषि कानून क्या थे और उनमें क्या समस्याएं थी? सर अभी मैं कृषि कानून से रिकॉल। अच्छा ये आपको लगता है कि गवर्नमेंट का ये राइट स्टेप था कि उसने तीनों कानून को वापस ले लिए? सर जो तीनों कृषि कानून थे उसमें कुछ सर जो कुछ सर कंसर्न किसानों के सर कंसर्न थे, तो सरकार ने सर जो उसके जो कानून वापस लिए हैं उसमें किसानों के कंसर्न को संबोधित किया जाएगा। उसके बाद सर तो आपको लगता है सरकार जो एक्ट लेके आई, बिल लेके आई थी, वो बिना किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना स्टेक होल्डर से बात की लेकर आई थी? सर सरकार ने जो कृषि कानून सर पारित किए थे वो निसंदेह सर मतलब किसानों के हित में थे, लेकिन सर उसमें दो तीन चीजें सर चुनाव जो किसानों के कंसर्न की बात थी जो MSP सर उसमें प्रमुख मुद्दा था, तो सर उसी वजह से सर। चलिए अच्छा बताइए मिशन लाइफ किससे संबंधित है, कुछ आइडिया है आपको? सर मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण को लेकर के है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट सर इसका कहा जा रहा है कि सर जो हमारी उपभोगवादी जो कल्चर है सर उसको उसकी वजह उसकी जगह पे हम पर्यावरण हितैषी सर कल्चर को बढ़ावा दें। PM प्रणाम योजना क्या है? सर PM प्रणाम योजना सर जो जो किसान जो अपने उर्वरक सर इस्तेमाल करते हैं रासायनिक जो उर्वरक है उनके स्थान पे प्राकृतिक और जैविक उर्वरक को सर शामिल करने का सर प्रावधान है। सरकार के 3 से 4 स्कीम मुझे बता दीजिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार लेकर आई हो। सर राष्ट्रीय सौर मिशन है जिसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई सर, और सर प्रधानमंत्री सर प्रधानमंत्री वंदन योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री वंदन योजना है सर, और सर थर्ड सर जो वैश्विक जैव ईंधन सर गठबंधन की स्थापना की गई। सर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला उसका क्षेत्रफल कितना है? सर 7600 सर साक्षरता दर क्या है? सर साक्षरता दर सर 73%। नेपाल से उसकी सीमा लगती हो कितनी लंबी है? सर 589 किलोमीटर के आसपास। अच्छा समुद्रगुप्त के समय लखीमपुर खीरी से कुछ संबंध है समुद्रगुप्त का, वो क्या है वो संबंध बताएंगे? सर लखीमपुर की खीरी से सर समुद्रगुप्त ने सर जब अश्वमेध यज्ञ किया था सर अपने सर उन्होंने सर घोड़ा सर अश्वमेध यज्ञ के समय सर छोड़ा था, वो लखीमपुर के सर लखीमपुर सर अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? सर जब भी कोई राजा सर अपना राज्यभिषेक करता है अपना क्षेत्र सर निर्धार करता है कि तो उसके संबंध में सर एक घोड़ा छोड़ा जाता है कि जिस क्षेत्र तक सर घोड़ा उसको कोई चुनौती नहीं देता है सर तो वहां तक के लिए सर आयोजित किया जाता है। सर मार्ले मिंटो सुधार सर 1909 में सर लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सर, इसमें सर जो पृथक
इसके इसमें सर पृथक जो सर सांप्रदायिक सर चुनाव निर्वाचन व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी सर, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं तो वहाँ से देशांतर रेखा होकर गुजरती है जिसको समय रेखा माना जाता है भारत में, उसका अक्षांश बताइए देशांतर कौन सी देशांतर रेखा जाती है वहाँ से सर? सर 82 डिग्री 30 मिनट E बराबर MC स्क्वायर के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को कि सापेक्षता के सिद्धांत को मिला था, किस पे मिला था सर? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सर आइंस्टीन को 1913 क्या कौन सा प्रभाव सर? प्रकाश विद्युत प्रभाव के तहत सर जब कोई जो प्रकाश किरण किसी पार्टिकल से गुजरती है उससे इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगते हैं सर, यही प्रकाश विद्युत प्रभाव। पीयूष अभी ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पे चले गए थे, हिट एंड रन मामले को लेकर के जो कानून बदलाव लाया गया है उसको लेकर क्या बता सकते हैं, क्या बदलाव लाया है सरकार ने? सर अभी जो हमारे आपराधिक कानून सर बदले गए हैं उसमें सर एक सर कानून है कि भारतीय न्याय संहिता की सर बात की गई है, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर ट्रक ड्राइवर या कोई भी जो चालक है अगर वो सर ड्राइविंग के दौरान अगर वह हिट करता है उसके बाद भाग जाता है तो 10 साल की सर सजा का प्रावधान था। इसी के विरोध में सर जो ट्रक ड्राइवर हैं वो सर आंदोलन कर रहे हैं। तो मतलब ट्रक मारने के बाद भाग जाता है तब है, या ट्रक मारा और सामने वाले व्यक्ति जिसको धक्का लगा उसकी मृत्यु हो गई तब ये प्रोसेस? सर अगर ट्रक से एक्सीडेंट होता है सर उस स्थिति में सर भाग जाता है सर, उसको अगर अस्पताल तक नहीं पहुँचा रहा है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो उसे सर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। सावित्री बाई फुले के विषय में कुछ जानते हैं आप? यस सर। सर सावित्री बाई फुले जी ने महिला शिक्षा के लिए उन्होंने सर बहुत प्रयास किए थे, इसे बहुत प्रयास किए थे सर। जैसे उन्होंने सर पहली बार सर महिला स्कूल की स्थापना करी थी सर। अच्छा अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री ने वृंदावन में बालिका सैन्य स्कूल की स्थापना की है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी? सर मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं सर, मैं माफी चाहूंगा। पढ़ा नहीं है? आपने बताया शतरंज आपका फेवरेट है ना, जो शतरंज में घोड़ा जो है वो ढाई घर ही क्यों चल? सर कोई भी सर जब गेम के नियम बनाए जाते हैं सर उसमें सर सब मतलब हर एक सर चीज प्लेयर की सर उसमें भूमिका निर्धारित की जाती है। तो सर घोड़े तो उसके जो मोहरे होते हैं शतरंज के उनमें आपके लिए सबसे प्रिय कौन सा मोहरा है आपका? उसमें सारे मोहरे की अपनी अपनी भूमिका होती है, तो सर मेरे हिसाब से सर सभी कोई एक तो पसंद होता ही है ना, जैसे मैं शतरंज खेलता हूँ तो मुझे उसका मंद वजीर जो होता है वो सबसे ज्यादा पसंद है, वो कहीं भी आगे पीछे कहीं भी मारपीट कर सकता है, सबका होता है चाहे किस्ती हो या हाथी हो, सबका एक फेवरेट तो होता ही है ना कि हाँ ये मैं इसी सारे गेम जीत लूंगा। तो आपका भी होगा अगर आप शतरंज आपकी हॉबी है? सर मेरा मानना है कि सभी मोहरे सर अपनी अपनी मतलब अपनी भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये टीम के रूप में सर वो काम करते हैं, तो सभी का सर अपना उत्तर सर जिम्मेदारी है, सबके अपने सर रोल होते हैं सर। अच्छा एक मूवी आई थी शतरंज के खिलाफ सर, अवध के नवाब वाजिद अली साहब सर, क्या है उनका योगदान जरा बताएंगे आप? माफी चाहूंगा अवध के नवाब के विषय में आपको नहीं पता। चलिए लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मूड, आप अपनी पर्सनालिटी की 3 पॉजिटिव थिंग और 3 नेगेटिव थिंग बता दीजिए। सर पहली सर जो पॉजिटिव चीज है सर वो मैं सेल्फ असेसमेंट में सर करता हूँ सर। दूसरी सर मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस क्वालिटी है सर, और थर्ड सर मैं कोई भी अगर प्लान बनाता हूँ तो उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाता हूँ। ये पॉजिटिव हो गया। आपके नेगेटिव एस्पेक्ट? सर नेगेटिव एस्पेक्ट में सर कभी कभी सर मैं अपने काम में सर इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के सर कभी लापरवाही सर हो जाती है। और सर सेकेंड में सर कुछ कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं सर जिनमें मुझे लगता है कि सर और करना चाहिए सर, उनमें मैं काफ़ी कुछ बेहतर नहीं करता। तीसरा? दो ही है आपकी पर्सनालिटी में डिफॉल्ट, मतलब एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट। चलिए तब तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी में सिर्फ दो ही खामियां नजर आई। थैंक यू।